नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखो, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी, आज से हम एक न्यू बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर में। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि कार्बनिक रसायन की। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले पूछा भी था अपने चैनल पे कि आपको सबसे बेकार केमिस्ट्री कौन सी लगती है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे लगभग 65-70% लोगों का यह आंसर आया कि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ख़राब लगती है। मुझे दुख हुआ सुनकर। अभी भी आप देख सकते हो, वहाँ पे कम से कम 55-60 लोगों ने वोट किया था, अभी भी कम्युनिटी में पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सी केमिस्ट्री सबसे बेकार लगती है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने भी उसमें वोट दिया हो। सबसे ज़्यादा वोट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेकार लगती है। कोई नहीं, अब नहीं लगेगी, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे एक एक क्लास में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल सरल लगने लग जाएगी, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी फेवरेट है, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात जब हम करते हैं, तो सेकंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे मज़ेदार भी है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि रिएक्शंस ज़्यादा है और विद मैकेनिज्म उनको याद करना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी हम याद करेंगे उनको, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 5 यूनिट है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में भी यही बोल रहे हैं, दिक्कत मत लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी यूनिट है अल्कोहल। देखो, ये वाली यूनिट भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी लेंथी यूनिट है। इसमें अल्कोहल है, फिनोल है, ठीक है, ईथर है, इसके अलावा इसमें एपोक्साइड है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे हमको पढ़नी है, बड़ी लंबी चौड़ी यूनिट है, बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लोकेसर है तो क्या डर है। ये चारों चीज़ हमको पढ़नी है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। तीसरी यूनिट हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसमें इस तरीके से सी डबल बोन ओ ग्रुप होता है, ठीक है, अगर एच जोड़ दिया तो एल्डिहाइड, और एच के अलावा और कुछ जुड़ा हुआ है तो कीटोन, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में तो पता होगा आपको, अल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होते हैं। अल्कोहल कुछ इस तरीके से होते हैं, OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, फिनोल अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ईथर भी हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ROR, है ना, और एपोक्साइड भी इससे रिलेटेड होता है, तो हमको इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा हुआ होगा, जहां पे COOH ग्रुप होता है, ठीक है, क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना सीखेंगे, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या बनाया जा सकता है हमको वो पढ़ना है। और लास्ट यूनिट हमारे पास कौन सी है, डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन, जहां पे हम एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जहां पे नाइट्रोजन आ रहा है हमारे पास,
NH3 अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, जो कंपाउंड हमारे पास नाइट्रोजन से बनते हैं उनके बारे में हमको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव है। तो हमारे पास ये 5 यूनिट है, थोड़ा बड़ा सिलेबस जरूर है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत टाइम लग गया, उसका भी बड़ा सिलेबस था, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका है, ठीक है। बस आपको एक कोशिश करनी है, मेरे साथ जुड़े रहना है, तभी ये हमारे पास हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो अगर आपको 5 यूनिट में आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं और आपका रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है और आप फिर भी 3 क्वेश्चन करना चाहते हो कम से कम, वैसे तो 5 करोगे लेकिन 3 क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये वाले यूनिट आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस नहीं है, 5 यूनिट में सिर्फ 1 यूनिट ऐसी है जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा, है ना। ये कुछ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? स्पेक्ट्रम। आज देखो हम जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, लेकिन हाँ हमने ये वाली यूनिट स्टार्ट कर दी है। आप ये समझिए कि ये वाली यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट ही हम कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो हमने क्या किया, कोई प्रिज्म ले लिया, हमने क्या किया, कोई प्रिज्म ले लिया, उसके ऊपर सफेद लाइट को डाला, वाइट लाइट को डाला, सफेद लाइट को डाला, सफेद प्रकाश को डाला। सफेद प्रकाश को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो अलग अलग रंगों में बट जाता है, वो अलग अलग रंगों में बट जाता है, ठीक है। तो जो रंगों का अलग अलग बटना है ना, अलग अलग तरंग दैर्ध्य में बटना, अलग अलग रंगों में बटना, या फिर इस प्रकार का जो प्रदर्शन है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या, कि जब किसी सफेद प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जाता है, तो वह अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों में बट जाता है, या अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले रंगों में बट जाता है। तो इस प्रकार का प्रदर्शन किसका? रंगों का। तो इस प्रकार का रंगों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। देखो स्पेक्ट्रम एक तरीके का डायग्राम भी हो सकता है, है ना। जैसे हमको किसी कागज पे कुछ इस तरीके से डायग्राम प्राप्त हुआ, उसको भी हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, है ना, उसकी भी हम बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जहाँ किसी अज्ञात
यौगिक का स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जाता है, अज्ञात यौगिक का स्पेक्ट्रम ज्ञात किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा स्पेक्ट्रम क्या है। कोई प्रिज्म है, प्रिज्म में से प्रकाश की किरण गुजरी, प्रकाश की किरण गुजरने के बाद अलग अलग रंगों में बट गई, प्रकाश की किरण गुजरने के बाद अलग अलग रंगों में बट गई। रंगों का इस प्रकार बटना या रंगों का इस प्रकार प्रदर्शन ही हमारे पास क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये ही हमें पूरी यूनिट के अंदर पढ़ना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय विकिरण, है ना, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे यूवी, आईआर। वैसे तो थर्ड ईयर में डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूनिट है, बड़ी मज़ेदार यूनिट है, बहुत मज़ा आने वाला है इस यूनिट में, है ना। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, तो इसलिए इस यूनिट में जुड़े रहिएगा। तो जिनको नहीं पता कि नई बुक स्टार्ट हो गई है, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि नई बुक स्टार्ट हो चुकी है। और अगर सीधी सी बात, देखो अगर लगातार स्टार्टिंग से जुड़े रहेंगे न्यू बुक से तो समझ में तो आएगा, और बीच में से आएंगे और बीच में से आके पढ़ने लगेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जुड़ने के लिए बोलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, लोकेश सर एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट है, पहले ही मैं बता देता हूँ, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल मज़ा आने वाला है, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा जो समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ताकि और लोग भी जुड़ सकें। तो आगे की बात हम कहाँ करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।